वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम लेके आए हैं कोलन क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल और क्लास टू है ये। और हमने इसके पहले डिस्कस किया था लाइब्रेरी साइंस की क्लास टू, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड लिटरेचर मेन क्लास, तो इससे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि ओल्ड लिटरेचर मेन क्लास का ये जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा, है ना, ये फार्मूला है आपका, बेसिक फार्मूला बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये ओ क्या है यहाँ पे, ओ आपके ये मेन क्लास है लिटरेचर की, ठीक है। और पी है यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज है, पी पी लैंग्वेज है। और ये पी टू है आपका फॉर्म, FORM। तो फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि से कोई आपका किस प्रकार की बुक्स है, ऐसे पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, आपके स्पीचेस हैं, तो ये फॉर्म को डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो P3 है, ये P3 आपका ऑथर, यानी कि ऑथर का जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, उसको ये रिप्रेजेंट करता है P3, ठीक है। और यहाँ पे जो P4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, P4, ठीक है, P4 यहाँ पे क्या है, P4 वर्क है, मतलब कि जैसे किसी ऑथर ने अपनी दूसरी किताब लिखी या 10वीं किताब लिखी, तो ये नंबर ऑफ वर्क है, तो यहाँ पे जो P4 है वो डिनोट कर रहा है वर्क को, ठीक है। तो आपका P1 आपका क्या हो गया, लैंग्वेज, P2 हो गया आपका फॉर्म, किस प्रकार की मटेरियल है, किस प्रकार की किताब है, ठीक है। और P3 आपका जो ऑथर का बर्थ हो गया, और P4 यहाँ पे क्या है आपका, जो कि जो कौन सी भी कृति है उसकी, तो ये P4 है। तो हम लोग बस अब वन बाय वन प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे कि इसमें हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, कैसे क्लास नंबर बनाएंगे ओ लिटरेचर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर है, हिंदी ये ड्रामा है, इंग्लिश स्पीचेस ऑफ APJ अब्दुल कलाम, बॉर्न ऑन 1931, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं हिंदी पोएट्री का नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि आपका पी है ना, और पोएट्री क्या है, इसका फॉर्म है जो कि P2 में आता है। तो आप फॉर्म देख पा रहे होंगे, पोएट्री क्या है यहाँ पे वन, ठीक है, ये आपका पोएट्री का नंबर है, ठीक है, पोएट्री का वन है, ठीक है। हमें अब हिंदी लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एज अ लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5, यानी कि आपको लैंग्वेज के लिए चैप्टर 5 में जाना पड़ेगा। और चैप्टर 5 कहाँ पे है आपका, 2.26 पेज पे गिवन है, हाँ, ये लैंग्वेज आइसोलेटेड, ठीक है, चैप्टर 5 और ये लैंग्वेज आइसोलेटेड, ठीक है। और आपको यहाँ पे हिंदी देखना है, ठीक है। तो हिंदी का आप देख रहे हैं आप कौन सा नंबर है आपका, हिंदी यहाँ पर आपको मिलेगा ये 152 आपको हिंदी का नंबर है यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आपका क्या बन जाएगा, ओ मेन क्लास है, ठीक है, ओ मेन क्लास है, ठीक है। और आपका आपका हिंदी का है, पहले पी आया है, तो आपका हिंदी का नंबर कितना है, 152, और इसके बाद कॉमा है, पोएट्री का कितना है आपका 1। तो ये आपका प्रॉब्लम बन गई है, जो हिंदी पोएट्री का नंबर बना आपका ओ मेन क्लास है, 152 हिंदी लैंग्वेज का नंबर है, और 1 जो यहाँ डिनोट हो रहा है पोएट्री, यानी कि किस प्रकार का ये फॉर्म है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम दूसरी प्रॉब्लम को लेते हैं, तो ये भी हिंदी ड्रामा है, ठीक है। अगर सपोज इट वापस हिंदी के लिए, तो आपको 0.152 आ जाएगा, ठीक है, और कॉमा, ड्रामा का वहाँ पे 2 है, अभी हम लेके चलेंगे उस पेज पे, तो आपको वहाँ ड्रामा का नंबर 2 दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का पोएट्री का बन गया, और हिंदी ड्रामा के लिए ओ मेन क्लास है, 152 हिंदी का नंबर है, और 2 ड्रामा का है। और सपोज इट अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश का है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी लैंग्वेजेस दी हुई, ठीक है। तो जिस भी लैंग्वेज को आपसे पूछा जाएगा ना, उस लैंग्वेज का नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे इंग्लिश का नंबर 1-1 दिया है। तो अगर इंग्लिश ड्रामा होता तो वहाँ पे क्या करते, ओ 1-1 कॉमा आप 2 कर देते, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश पोएट्री होती तो ओ 1-1-1, 1। तो इस प्रकार से आप हिंदी ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा, या फिर लैटिन रशियन ड्रामा या लसिन पोएट्री, तो अलग अलग जो यहाँ पे लैंग्वेज दी है उसका यूज करते हुए, आप लैंग्वेज चैप्टर को यूज करते हुए आप जो भी आपकी जो लिटरेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को लेके चलते हैं, इंग्लिश स्पीचेस ऑफ APJ अब्दुल कलाम, बॉर्न ऑन 1931, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे नया एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ है स्पीचेस, ठीक है। तो स्पीचेस का नंबर हमें कैसे मिलेगा,
स्पीसीज के लिए फिर हम लोग उसकी मेन क्लास जो है 2.94 पे जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज में ऐड है, एक आपका ईयर बीच, ईयर हम लोगों ने निकालना सिखाया था आपको जब उन्होंने पिछली क्लास ली थी लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास, तो हम लोगों ने इसका जो मतलब ईयर कैसे निकालते हैं वो हमने टाइम आइसोलेट सिखाया था, तो वो भी हम लोग इसमें लेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं मेन क्लास स्पीचेस का नंबर कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर 2.94 पेज पे चलते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होता है स्क्रॉलिंग का। 183 पे हम लोग फिर इसके 2.94 पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो आपको वहां से स्पीचेस का नंबर मिलेगा, इंग्लिश स्पीचेस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ड्रामा का तो यहाँ पे आप देख रहे थे ना टू, तो यहाँ पे ड्रामा का टू है, ठीक है। अब स्पीचेस की बात हो रही, स्पीचेस यहाँ पे कहाँ है आपको दिख रहा होगा, स्पीच कहीं गिवन नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओरेशन दिख रहा है ना, ओरेशन को ही आप यहाँ पे बगल में इन ब्रैकेट में स्पीचेस कर लीजिए, ठीक है। ओरेशन का मतलब ही स्पीच होता है, ठीक है। तो ये ओरेशन को आप स्पीच कर लीजिए, ठीक है, ये स्पीच है, ठीक है। तो ये ओरेशन ही स्पीच है, तो यहाँ पे आपको स्पीच का नंबर क्या मिल जाएगा, 5। और इंग्लिश का आपने देखा ही था, इंग्लिश का आपका 111 था, है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का नंबर मिल गया, स्पीच का मिल गया, ठीक है। इंग्लिश का नंबर क्या है यहाँ पे आपका, इंग्लिश का है ओ, इंग्लिश का है 111, ठीक है। और स्पीचेस का यहाँ पे क्या है, 5, ओके। अब हमें क्या बचा है यहाँ पे, केवल हमें बचा निकालने के लिए क्या, हमें इसमें हमें केवल डेट ऑफ बर्थ निकालनी है ऑथर की, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम आइसोलेट पे जाएंगे, टाइम आइसोलेट पेज नंबर 2.7 पे, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक पेज पे जाते हैं 2.7 पे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब टाइम आइसोलेट है। तो हम लोग इसका जो डेट ऑफ बर्थ है इनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, 1931, तो हम यहाँ से इनका डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। और इनकी आपका जो यहाँ पर 1931 दिया हुआ है, तो 1931 किसके किस सिंबल्स के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे पहले। तो 19 जो है एन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। एन आपका 1900 को डिनोट कर रहा है और बचा हुआ क्या है, 31, ठीक है। तो हमारा जो ये है नंबर है N31, ये हमारा 1931 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या नंबर बनेगा इसका, N31, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि इसके बीच में आपने कोई सिंबल का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो आपने जब फेसिट फॉर्मूला देखा होगा 2.94 पेज पे, तो उसमें आपके जो फॉर्म के पहले, यानी कि जो आपका P1 है आपका लैंग्वेज, और उसके बाद ही कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद कोई कॉमा नहीं दिया हुआ है। तो हमें फेसिट फॉर्मूला को फॉलो करते हुए उसको ही फॉलो करना है, और चूंकि केवल फॉर्म के पहले ही वहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कॉमा, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, तो वैसे ही हम लोग एज इट इज़ लिख जाएंगे बिना सिंबल के। आपने ये ओ मेन क्लास लिखी लिटरेचर की, और 11 आपका ये इंग्लिश का नंबर है, 5 जो है आपका ये आपका स्पीचेस यानी कि ओरेशन का नंबर है, एन जो है यहाँ पर आपको 1900 सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 31 ये जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है। तो ये पूरा आपका नंबर बन गया, इंग्लिश स्पीचेस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न ऑन 1931, ठीक है। और ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, अभी हम लोग थोड़ा सा इसका एक नया इसमें कुछ सीखते हैं, और जो कि एक आपको इसमें अगर सपोजिट वर्क कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास प्रॉब्लम आई कि कोई भी वर्क से रिलेटेड, तो हम कैसे निकालेंगे। सपोजिट हमारे पास आई प्रॉब्लम गोदान पाई, इसको रफ कर देते हैं पहले, गोदान बाई प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद 1880, मतलब एक डेट ऑफ बर्थ देंगे,
और इनका जो काम है हिज वर्क और इनका जो काम है ये हिज तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे वर्क निकालना हम यहाँ पे सिखाएंगे क्योंकि बाकी चीज़ तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो 13 वर्क या आपका 25 वर्क या 24 वर्क एक वर्क जो भी वर्क आते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आप जब इसके चैप्टर में जाएंगे 1.98 पेज पे जो गिवन है तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि आप जो वर्क है उसको ग्रुप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एक एट का ग्रुप बनाते हैं और कंटिन्यूसली 512 तक जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो G1 आपका ग्रुप 1 होता है, G2 आपका ग्रुप 2 है, तो G3, G4, G5, इसी तरह आप 6, 7 इस तरह से आपका 8 तक चलता है, उसके बाद फिर आपका 512 तक कंटिन्यूसली ऐसे चलता है। ठीक है, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ फिर इसके बाद कंटिन्यू होता है, 8 के ग्रुप है तो आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10, 10, 11, 9। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसी तरह से आपका कंटिन्यू हो जाएगा कि मतलब आपका 9 है यहाँ पे, 16 है, फिर 17 से लेके आपका 24 तक चल जाएगा। ठीक है, फिक्शन है उसका 3 नंबर। ठीक है, और आपका जो ये प्रेमचंद की जो ईयर है आप उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पहले, आपका 1880। ठीक है, तो 1880 किसके बीच में आ रहा है, एम एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम 80, तो आपका ये क्या बन गया, ईयर बन गया। ठीक है, रंग इनका प्रेमचंद सर का, और ये 13 वर्क भी बना लिया हमने। ठीक है, 13 वर्क हमने कैसे बनाया, 13 वर्क हमने बनाया था, ये दूसरे ग्रुप में आया कि 8 × 2 = 16। ठीक है, और 16 है ना, और ये आपका ये जो 13 वर्क का 25 नंबर बनेगा। तो आपने जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे ना, G1, 1, 2, 3, 4 ना, 7 और ये 8 तक। ठीक है, और ये आपका G2 है ना, ये क्या था, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये पांचवें नंबर पे आ रहा है ना, इसीलिए हमने ये 5 लिखा है, और ये ग्रुप 2 में आ रहा है इसलिए आप 2 लिखा है। ठीक है, तो ये आपका 24, 5 जो वर्क बन गया। ठीक है, और गोदान क्या है, हिंदी, तो ये हिंदी का नंबर क्या है, 152 लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये आपका मतलब सारे नंबर्स गिवन है। अभी हमें क्या केवल देखना है, कंफर्म करना है, देखना नहीं है। 2.94 पे जो फिक्शन है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, फिक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, फिक्शन का नंबर 3 है ना, फिक्शन को ही बोलते थोड़ा से, कहते हैं ना इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं उसमें, तो गोदान भी उनकी मतलब एक इमेजिनरी कहानी है, उसमें कलेक्शन है जिसे हम उपन्यास बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरीज, तो ये हमारा गोदान 3 में आएगा फिक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिक्शन का नंबर ले लिया 3। अब हमारा पूरा नंबर कैसे बनेगा, हम पूरा नंबर बना के दिखाते हैं, एक सेकेंड। वो मेन क्लास हो गई, हिंदी है उपन्यास, तो यहाँ पे 1, 5। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका हमें हमारा ये क्या है, फिक्शन, तो हमने 3 लिखा, और 1880 जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था, M80 है ना, 1880 जो उनकी बर्थ थी, और इनकी जो काम है वो है 1, 5, sorry 2, 5। तो ये आपका पूरा नंबर बन जाएगा, यहाँ पर कॉमा भी है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 0152 3M80 25। ठीक है, 25 क्या है, 13th वर्क। ठीक है, और यहाँ पे फेसिट फार्मूला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जे ओ मेन क्लास है। ठीक है, ओ मेन क्लास है, 152 हिंदी का नंबर है, 3 आपका फिक्शन हो गया, M80 क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और 25 क्या है, इसके जो कौन सी कृति है। ठीक है, और जो कृति है यानी कि जो वर्क है, वर्क के पहले आप देख पा रहे होंगे कि कॉमा दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा हमारा जो मतलब ग्रंथ है वो किस प्रकार की, किस प्रकार का ग्रंथ है, हमें ये थोड़ा फाइंड आउट करने की जरूरत होती है, बाकी सब कुछ इसमें इजी है। ठीक है, प्रेमचंद, नमस्कार, 1880
ठीक है, और इन जो इनका काम है ये 32 वर्क है, ठीक है, ये 32 वर्क है, हिज 32 वर्क, ठीक है, इसमें क्या करना है कि कफन क्या है, कफन ये फिक्शन है, ठीक है, बाय प्रेमचंद, ये फिक्शन है, मतलब शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है ये, और ये प्रेमचंद जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के लेखक हैं, ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 1880, ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, कफन हिंदी का है तो हम लोग वो लेंगे, और हिंदी का आप लोगों ने अभी 2-3 प्रॉब्लम कर चुकी है तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हिंदी जो लैंग्वेज आइसोलेट से हमने लिया है 2.26 पेज पे है जो, वो हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 5 से लिया है, ठीक है, और इसके बाद क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 1880 है, 1880 में हम लोग 18वीं सेंचुरी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हाँ यहाँ पे बचा क्या आपका 80, तो ये आपका, सॉरी यहाँ पर एक चीज मैंने छोड़ दी, यहाँ पे कफन आपका उपन्यास सॉरी फिक्शन है तो यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद आप ऑथर की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, इसके बाद बचता है कृति, ठीक है, कृति, तो कृति कौन सी है आपकी 32, 32 किस में आएगा, सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए, तो 32 के लिए आप लोग क्या करेंगे, 8 × 32, ठीक है, तो ये चौथे ग्रुप की 8वीं कृति है, ठीक है, और ये आपको आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इससे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, G1 G2 G3 G4, ठीक है, 8, 8, 16, 24, 8, 32, आपका ये 5, 6, G7, G8, तो ये आपका 32 वर्क है, ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 8 चौथे में ही आएगा, ठीक है, तो आपका 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32 आपके 24 के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, 24, 25, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे फिर आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, तो आप यहाँ पे 32 कैसे निकाला, सॉरी हाँ 32 वर्क कैसे निकाला वो मैं बता रही हूँ, ये ग्रुप 4 है, ठीक है, और ग्रुप 4 में आपका 32 आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पे आ रहा है ना, इसीलिए हमने 4 लिखा क्योंकि ग्रुप 4 में, और ये 8वें पोजिशन पे है, तो ये आपका 48 जो है आपका 32 वर्क का नंबर है, तो ये जो पूरा बनेगा आपका 1, 0, 1, 5, 2, 3 आपका ये फिक्शन का नंबर है, और एम जो है आपका AM80 है जो उनका ईयर है, और 48 जो है आपका कृति है, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें हमें कुछ पार्ट रह गया है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसमें हम लोग ACI का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें प्रॉब्लम्स आती थी बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद या फिर लिटरेरी वर्क ऑफ प्रेमचंद या लिटरेरी कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम कैसे करेंगे, या फिर क्रिटिज्म हो गया है ना आपका, बायोग्राफीज हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग कैसे करेंगे लिटरेचर में, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।